ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या को लेकर आए दिन आंदोलन होता है, लेकिन अब कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर अपना हक के लिए मिथिला विश्वविद्यालय लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रमोशन की बात हुई थी और यह कहा गया था सिंडिकेट की बैठक में कि फोर्थ ग्रेड और थर्ड ग्रेड कर्मचारी जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के स्तर से सभी का प्रमोशन किया जाएगा, लेकिन गत दिन जो बैठक हुई उसमें सिर्फ थर्ड ग्रेड कर्मी को ही प्रमोशन दिया गया, उसमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया और फोर्थ ग्रेड के जो कर्मी हैं उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। इसकी जानकारी जैसे ही मिली लोगों बीसी आवास के सामने जो मुख्य गेट है उसके पास आके आक्रोशित हुए, लेकिन आज मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में जो है अपनी मांगों को लेकर थर्ड ग्रेड एवं फोर्थ ग्रेड के जो कर्मी हैं उन्होंने उग्र आंदोलन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग किया कि जब तक हम लोग का प्रमोशन नहीं होगा तब तक विश्वविद्यालय का कामकाज नहीं होगा, महाविद्यालय में किसी प्रकार की कामकाज नहीं होगी। आपको बताते चले कि सीएम साइंस की एक महिला हैं जो कई वर्षों से कॉलेज में कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें एक प्रमोशन तक नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मी हैं जिन्होंने 10 वर्ष के अंदर में तीन चार प्रमोशन ले लिया। कई ऐसे मामले हैं जो कई सवाल खड़ा करते हैं। आइए सुनाते हैं इस संबंध में जो सीएम साइंस की कर्मी हैं उन्होंने क्या बताया। वहीं इस संबंध में बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एवं जिला मंत्री राधेश्याम झा ने क्या बताया, एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो दोहरी नीति अपनाई गई है, तृतीय वर्ग कर्मी को प्रमोशन दिया गया, कुछ को छोड़ दिया गया, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को प्रमोशन नहीं दिया गया। हम सीएम साइंस कॉलेज के हैं, लीला कुमारी है, मेरा महाविद्यालय में सीएम साइंस कॉलेज में सारे थर्ड ग्रेड को कर दिया गया प्रमोशन, केवल महिला हम महादलित से आते हैं हम ही को छोड़ दिया गया, तो सारे को कर दिया गया है थर्ड ग्रेड में। हमसे जूनियर, हमसे जितना जूनियर है सबको कर दिया गया है, हम इतना सीनियर हैं 1993 के हैं, अभी तक हमको नहीं किया गया, एक भी प्रमोशन नहीं दिया गया है। कहाँ कौन लोग इसमें दोषी हैं? प्रशासन दोषी है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अनशन करेंगे, धरना करेंगे। यानी आपके महाविद्यालय में सिर्फ आपको नहीं किया, आप ही को, हम ही को नहीं किया गया है थर्ड ग्रेड में, सारे को, जितने कनिये हैं जितने हमसे नीचे हैं सबको कर दिया गया। क्योंकि आपने कहा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार अपनी मांगों के लिए कि आप लोग विश्वविद्यालय में आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है, वार्ता होती है लेकिन विश्वविद्यालय आप लोग के वार्ता से मुकर जाती है, फिर धरना प्रदर्शन करते हैं, जो स्थिति आज हो गई है। थर्ड ग्रेड कर्मचारियों को प्रमोशन मिला, फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन बात हुई थी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कि थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड सभी कर्मचारियों का प्रमोशन होगा, क्या कहेंगे आप? हम लोग यही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है जब 13 अक्टूबर 2023 को जो पत्र बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का निर्गत हुआ उस समय से इस मांग के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, और प्रयासरत रहने के उपरांत हमारे कुछ भाइयों का पदोन्नति हुई, लेकिन उस वर्ग में भी कुछ साथियों को छूट गया है और चतुर्वर्गीय कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है, जबकि सिंडिकेट में निर्णय हुआ था और हम लोगों से एग्रीमेंट मौखिक एवं लिखित हुआ था कि हम दोनों संवर्ग का एक साथ करेंगे, इससे हम लोग क्षुब्ध हैं और जब तक जो है सो हम लोगों का पदोन्नति संबंधी अधिसूचना निर्गत नहीं करेंगे, और जो छूटे हुए कर्मचारियों का और जो थर्ड ग्रेड में छूटा हुआ है चाहे जो फोर्थ ग्रेड है उनका अधिसूचना निर्गत होने तक ये आंदोलन जारी रहेगी, और ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी बात से मुकर रहे हैं, इस बात का बहुत मुझे कष्ट है। उन लोगों ने सब बराबर इस बात को रखा है कि दोनों का एक साथ होंगे, आप लोगों को भी इसका आपको अपने माध्यम से खबर कर चुके हैं, आप लोगों के माध्यम से भी पूरा अति न्यूज प्रकाशित हो चुका है कि दोनों का एक साथ हम पदोन्नति करेंगे, लेकिन आज की परिस्थिति, कल जो नोटिफिकेशन हुआ है, जो ज्ञापिका तैयार करके सिंडिकेट का रिजुलेशन पास करके भेजा गया, वो 23 तारीख के शाम तक उस रिजुलेशन में दोनों आदमी का, दोनों संवर्ग का एक साथ पदोन्नति का रिजुलेशन दस्तखत करके दिया हुआ था, रात के अंधेरे में 9 बजे 10 बजे ये बदल दिया गया, इससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है, और कर्मचारी जब तक जो है छूटे हुए कर्मचारी का और चतुर्वर्गीय कर्मचारी का अधिसूचना निर्गत रहे, कुछ मनमाना किया है विश्वविद्यालय प्रशासन,
और मनमाने ढंग से नोटिफिकेशन किया है, जिसको जो मिलना चाहिए उन्हें जिसको जहां मन हुआ वैसे कर्मचारी को भी पदोन्नति का लाभ अधिक दे दिया गया है। जिनको नहीं मिलना चाहिए 10 वर्ष पर पहला लाभ मिलता है, लेकिन 10 वर्ष के अंदर में 3 लाभ दे दिया गया, ये कहाँ का नियम है? मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ। लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप ही सवाल कर रहे हैं और आप ही जवाब दे रहे हैं कि 3 बार प्रमोशन दे दिया, रात के अंधेरे में जो प्रमोशन दे दिया, ये सारे ये खड़यंत्र का दोषी कौन है? सर, खड़यंत्र का दोषी यहाँ का पदाधिकारी है, यहाँ का कुल सचिव है, यहाँ के माननीय कुलपति महोदय है, DR1 है, और स्थापना शाखा के एक दो ऐसे कर्मचारी जो लेन देन कर करके इस काम को करते हैं। तो क्या करेंगे आगे इसके लिए आप लोग? हम लोग इसके लिए जब तक बचे हुए कर्मचारी, चतुर्वर्गीय कर्मचारी और थर्ड ग्रेड में जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनका नहीं किया गया है, वैसे कर्मचारी का जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहे। परिषद ने कल भी कहा था मामले को लेकर कि हम लोग का जब तक पूरी मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग आंदोलन करेंगे। स्थिति फिर वही उसी जगह पर आके अटक गई। कौन लोग इसमें दोषी हैं? और रात के अंधेरे की बात इन्होंने कही है और लेन देन तक की इन्होंने बात कही कि लेन देन करके जो है सो प्रमोशन दिया गया, 10 वर्ष में 3-3 लाभ दिया गया, क्या कहना है आपको? देखिए, हम लोग बाध्य होकर आंदोलन के लिए आते हैं, हम लोगों की मनसा नहीं है जो हम आंदोलन करें। कल हम लोग सिंडिकेट के प्रत्याशा में आशा लगा के सारे साथी बैठे हुए थे जो सभी संवर्ग के कर्मियों का पूर्णति प्रभार दिया जाएगा, लेकिन कल जब पत्र निर्गत हुआ तो तृतीय वर्गीय कर्मी का पदभार ग्रहण करने का पत्र निकला, उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जिनका पूर्णति नहीं किया गया और चतुर्थ वर्गीय एक भी कर्मी का पूर्णति प्रभार नहीं दिया गया। इस परिस्थिति में हम लोग बाध्य होकर कल शाम में दरभंगा जिला के कर्मचारी संघ, मधुबनी जिला के कर्मचारी संघ, विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ, कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को लिखित सूचना दिए जो हम लोगों का भी पदभार ग्रहण का पत्र निर्गत किया जाए। तो ये जो खड़यंत्र रचा गया है इसके अंदर में कौन लोग दोषी हैं और आगे क्या आप लोग की रणनीति होगी? देखिए, इसमें निश्चित रूप से जो हमारे परिवार के मुखिया माननीय कुलपति महोदय हैं, कुल सचिव महोदय हैं, किसी भी रूप में हम उनके ही ऊपर दोषारोपण करेंगे, चूँकि हमारे अधिकारी हैं, उनके ही द्वारा हमारा पूर्णति करना है सरकार के पत्र के आलोक में, तो दोषी किसको हम कह सकते हैं? हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके ही हम अपना मांग रखेंगे। अगर नहीं माना गया तो देखिए, अभी आज से हम लोगों का कार्यक्रम है, जो वंचित कर्मी है तृतीय वर्ग में और चतुर्थ वर्ग के तमाम चारों जिला के सभी कॉलेजेज और विश्वविद्यालय के जो कर्मी हैं उनका पूर्णति प्रभार का पत्र निर्गत करें। जब तक पत्र निर्गत नहीं करेंगे तब तक हम लोग सांकेतिक रूप से, मर्यादित रूप से, व्यवस्थित रूप से विश्वविद्यालय के इस धरना स्थल पर बैठ के धरना कार्यक्रम करते रहें।